मैं आपका दोस्त, आज मैं लेकर के आया हूँ कि सपने में यदि आप रोते हैं तो यह सपना कैसा होता है। तो आइए हम आगे वीडियो में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे इस पर कि सपने में रोना आपके लिए कैसा होता है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। हम सभी सपने देखते हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सपना देखना एक समान प्रक्रिया है जो सभी के साथ हो सकता है। वहीं सपनों पर लेकर के कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। इसके बारे में कुछ लोग जानते हैं तो कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। ये दोस्तों, हम ज़्यादातर वही सपने देखते हैं जो हम दिन में सबसे ज़्यादा सोचते हैं और वह रात के सोते समय आने लगता है। इनमें से कई सपने कई बार सच हो जाते हैं और कई नहीं भी होते हैं। इस प्रकार सभी सपनों का किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई मतलब होता है। यह सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि स्वप्न देखना एक संयोग नहीं है। इससे हमारे भविष्य की कुछ बातें जुड़ी होती हैं जो हमें किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ संकेत देती रहती हैं कि हमारे जीवन में कोई अच्छा या बुरा घटना घटने वाला है, जिससे आप सतर्क रहें या आपके हाथ से कोई बहुत अच्छा ही समय निकलने वाला है जो आप उसे ना छोड़ें और आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। स्वप्न शास्त्र के द्वारा कहा गया है कि सपने का कोई ना कोई जरूर महत्व होता है और किसी ना किसी प्रकार का संकेत होता है हमारे जीवन में। यदि सपने आते हैं तो सपने को नज़रअंदाज ना करने की सलाह दी जाती है। ऐसे कई सपने होते हैं जो हमें कई चीज़ों के बारे में संकेत देते हैं। स्वप्न शास्त्र के से कुछ सपनों के बारे में ऐसे बताया गया है जो कई बार सच भी हो जाते हैं। इसका सीधा संबंध हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए आज हम आपको एक विशेष सपने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अर्थ बेहद ही विशेष होता है, जिसके बारे में आप जानकर चौंक जाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या स्वप्न ज्योतिष के अनुसार नींद में देखे गए कोई भी सपने का किसी न किसी प्रकार से महत्व होता है। सपने में हम जान सकते हैं कि निकट भविष्य क्या होने वाला है। कई बार संकेत भी मिलता है कि इस सपना से इस तरह का कार्य होगा। जिस सपने की हम बात कर रहे हैं उस सपने को स्वप्न शास्त्र में भी बात किया गया है। स्वप्न शास्त्र में यह बताया गया है कि सपने में खुद को रोता देखना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह हमारे भविष्य में आने वाले समय में बेहद ही अच्छा होता है। बहुत एक बात और भी बताया गया है कि यदि कोई भी इंसान सपने में सामान्य रूप से रोता है तो उसे बहुत ही बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली होती है और उसकी ज़िंदगी आराम से कटती है। इसके अलावा एक बात और भी बताया जाता है कि यदि इंसान सपने में रोता है, खुद को रोता है, तो आंसू गिरने का यह अर्थ होता है कि उसका दुख जो है गिर रहा है। दुख गिरने का अर्थ यह हुआ कि उसके जीवन से दुख खत्म हो रहा है और सुख धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश कर रहा है। स्वप्न ज्योतिष अनुसार यह बताया गया है कि यदि आप समान अवस्था में रोते हैं तो ही अच्छा होता है। यदि आप समान अवस्था में नहीं रोते हैं, यदि आप ज़्यादा चिल्ला करके रोते हैं तो यह हो सकता है कि आपके लिए अच्छा ना हो। यदि आप इस तरह का सपना देखते हैं तो आपके जीवन में बेहद ही खुशी आने वाली है। यह जानकर आप खुश हो जाएं कि आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियों की प्राप्ति होने वाली है। तो मित्रों, आज मैं आपको बताया कि सपने में खुद को रोते हुए देखना कैसे होता है और
यह कैसा सपना होता है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद मित्रों।